hello students welcome to core classes today we are going to upload the part 6 of bchct131 course code or uh, the left uh, few uh, part from 1 to 5 we have uploaded in the uh, playlist of uh, lecture video of bchct131 so from there you can uh, revise the uh, your revise your uh, revision and uh, you can revise for your exam सो पार्ट सिक्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज आइनिक कंपाउंड जनरली हैविंग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई वाई ड्यू टू द स्ट्रांग कोलम्बिक कोलम्बिक इंट्रक्शन बिटवीन आयनिक कंपाउंडस हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मतलब है कि कोलंबिक इंटेक्शन की वजह से वो स्ट्रोंग है उसके वजह से क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड में मतलब कि केटन और एनाइन के बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है और आयनिक कंपाउंड्स का जो इसीलिए अगर उस बॉन्ड को आप तोड़ना चाहते हो उसको ब्रेक करना चाहते हो उसके लिए अमाउंट हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जिसकी वजह से जो मेल्ट करने के लिए जो आ, एनर्जी चाहिए और बॉयल करने के लिए चाहिए वो बहुत हाई एनर्जी होती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द शेप ऑफ बेरी बोरोन टेट्राफ्लोराइड द मॉलिक्यूल हैज थ्री पेयर्स ऑफ बॉन्ड पेयर हमें पता है कि जो बोरोन है वो बी एफ फोर नहीं है यहाँ पे बी एफ थ्री है एचली यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो बोरोन है इट इज सराउंडेड बाय थ्री फ्लोरीन फ्लोराइड आयंस तो यहाँ पे जो फ्लोरीन है यू नो दैट इट हैज सेवन इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स शेल तो जो सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इसके सराउंडेड है और जो वन इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे है जो कि बोरोन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग बना रहा है बॉन्ड बना रहा है इसी तरह ये भी सिमेट्रिकल है और ये भी तीनों ही सिमेट्रिकल होंगे और यहाँ पे देखिए फ्लोरीन है यहाँ पे भी इसके सिक्स इलेक्ट्रॉन्स है वेलेंस शेल में और जो एक इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बनाता है बी के साथ क्योंकि आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है फाइव वन एस टू टू एस टू टू, टू पी वन तो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन वेलेंस शेल है उसमें तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो यहाँ पे वन टू थ्री इलेक्ट्रॉन्स है जिसकी वजह से इसकी जो ज्योमेट्री है इसका जो शेप है वो एक ट्रायंगल शेप बनाता है अगर हम ऐसे ज्वाइन करेंगे तो तो वो जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है वही यहाँ पे लिखा है कि इनर्जेटिकली फेवरेबल अरेंजमेंट होते हैं और ये बॉन्ड बाय पेयर बनाने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है इजीली ये बन जाती है और यहाँ पर कोई डिस्ट्रॉशन नहीं है बॉन्ड पेयर डायरेक्टली टूवर्ड द कॉर्नर ऑफ द इक्वेलेट्रल ट्राइंगल नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द जीमेट्री ऑफ सी एच फोर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ मिथेन मिथेन हैज मोलिकुलर फॉर्मूला सी एच फोर यहाँ पे सेंट्रल एटम जो है वो कार्बन है और इट इज सराउंडेड बाय फोर हाइड्रोजन एटम्स यू नो दैट कार्बन का जो कन्फिग्रेशन है वो क्या है टू कॉम फोर इसीलिए यहाँ पे जो टू uh, है वो कंप्लीटेड शेल है इसलिए वो कन्फिग्रेशन यहाँ पे नहीं आएगी और जो फोर इलेक्ट्रॉन्स है वन टू थ्री फोर यहाँ पे आएंगे जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन है उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो इजीली बॉन्ड बना सकता है कार्बन के साथ और यही सिमिलरली दूसरा हाइड्रोजन भी ऐसे ही बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे आप देख रहे हो दैट कार्बन इज सराउंडेड बाय फोर हाइड्रोजन एटम्स जिसकी वजह से उसका ज्यूमेट्री जो है वो ट्राइगनल नहीं रहता है ट्राइंगल एकुल, ट्रे, नहीं बना पाता है तो इसका जो ज्योमेट्री है वो क्या बन जाता है टेट्राहेड्रल और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है इसीलिए लिए एच सी एच जो बॉन्ड है वो बॉन्ड एंगल है वन जीरो नाइन पॉइंट फाइव डिग्री तो यहाँ पे मिथेन इज इट कंटेन्स अ कार्बन एटम विच हैज फोर हाइड्रोजन एटम्स दैट आर कनेक्टेड दैट इज सेंट्रल एटम कौन सा होगा कार्बन और उसके साथ फोर बॉन्ड पेयर बनाएंगे हाइड्रोजन सो so, इसके बाद रेगुलर ट्रेक्ट्राइड्रोन ज्योमेट्री इज फॉर्म्ड विच विच लीड टू द लार्जेस्ट पॉसिबल सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर एंड कॉरस्पॉन्डिंग बॉन्ड्स और सी एच सी एच जो बॉन्ड एंगल है वो है नाइन वन जीरो नाइन पॉइंट फाइव डिग्री अमोनिया हैज पिरामिडल शेप एक्चुअली उसकी पिरामिडल शेप होनी होती है जबकि हम अगर देखें नाइट्रोजन के साथ थ्री हाइड्रोजन एटम्स है तो उसकी जो शेप है उसका एक लोन पेयर होने की वजह से टेट्राहेड्रल शेप होनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता क्यों मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया इट कंटेन्स नाइट्रोजन एटम हमें पता है और उसके साथ थ्री इलेक्ट्रो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और इसमें जो नाइट्रोजन इट इज अ सेंट्रल एटम दैट हैज थ्री पेयर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट इन एडिशन इट वुड हैव अ पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमें पता है जो नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर के फॉर्म में सिचुएटेड uh, रहता है इन अमोनिया द सेंट्रल एटम कंटेन्स टोटल ऑफ फोर इलेक्ट्रॉन पेयर थ्री बॉन्ड्स पेयर एंड वन इज लोन पेयर देखिए यहाँ पे वन टू थ्री बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर बट आपको पता है कि जो रिपर्शन uh, है सबसे ज्यादा लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में होती है उससे कम इट इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इन बॉन्ड लोन पेयर एंड बॉन्डपेयर एंड लीस्ड रिपल्शन इन बॉन्डपेयर एंड बॉन्डपेयर तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो लोन पेयर एंड बॉन्डपेयर के बारे में बात कर रहे हैं तो लोन पेयर और बॉन्डपेयर की रिपल्शन की वजह से जो एक्चुअल एंगल है वो वन जीरो नाइन पॉइंट ना होकर 107.4 हो जाता है इसीलिए ड्यू टू डिफरेंस इन द बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन अमोनिया मॉलिक्यूल डज नॉट हैव टेट्राहेड्रल शेप इंसटेड इट हैज ट्राइगनल पिरामिडल शेप और पिरामिडल शेप नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ सल्फ सल्फाइड सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज एस ओ टू तो यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे इसकी जो डिटेल में वीडियो हमने लेक्चर वीडियोस में अपलोड की हुई है वहां पे आप विजिट करके इसको डिटेल में भी कर सकते हैं और यह इम्पॉर्टेंट है सल्फर डाइऑक्साइड का अक्सर आ जाता है तो ये भी एक आप कर लीजिएगा डाई मिथाइल का भी नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू डिफ्रेंशिएट बोथ द आइसोमर्स एक्चुअली अगर हम देखें तो यहाँ पे डबल बोन होने की वजह से दिस इज द अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और यहाँ पे हम आपको पता होगा नेमिंग जब देते हैं तो सबसे पहले नेमिंग आता है लीस्ड कार्बन जिसके पास डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे वन टू थ्री फोर है और वन पोजिशन पे डबल बॉन्ड है इसलिए इसका नाम है वन वन टू थ्री फोर कार्बन है तो बुट इन इसकी वजह से इस यहाँ पे सफिक्स लग जाता है इन तो यहाँ पे ये यह है टू ब्यूटीन और दोनों का नंबरिंग हमने डाल दिया है और अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो बॉन्ड लेंथ सबका अलग अलग दिया है तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कार्बन वन और टू का जो बॉन्ड डिफरेंस है बॉन्ड लेंथ है वो वन थर्टी फोर पिकोमीटर है बट यहाँ पे वन और टू का जो कार्बन है वहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है वन फिफ्टी पिकोमीटर बट एक्चुअल में एग्जाम में आपको ये वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है आप क्या कर सकते हो आप सिर्फ इसको कंपेयर कर सकते हो कि जो वन कार्बन और टू कार्बन है उनका दोनों केसेस में बॉन्ड लेंथ का बहुत डिफरेंस है ऐसा क्यों ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड यहां पे मल्टीपल बॉन्ड है उसकी वजह से पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका बॉन्ड लेंथ जो है कम हो जाता है लेस हो जाता है एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड नेक्स्ट क्वेश्चन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉर्मेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एस एस ऑर्बिटल तो यहाँ पे हमने लिखा है कंसिडर द केस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन दिस आयन इज फॉर्म्ड वेन्न हाइड्रोजन इज सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अंडर प्रेशर रिड्यूसड प्रेशर इट हैज बॉन्ड लेन जीरो सिक्स पिकोमीटर ये आपको ये लर्न करना पड़ेगा बॉन्ड एनर्जी लर्न करनी पड़ेगी देयर आर टू प्रोटोन्स वी नो दैट एक इलेक्ट्रॉन है वो आगे आपको दिखाया जाएगा दिस लिनियर कंबिनेशन विल प्रोड्यूस टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स एक बॉन्डिंग होगा और दूसरा एंटी बॉन्डिंग जिसको हम सिग्मा और सिग्मा स्टार के साथ लिखेंगे uh, यहाँ पे देखिए स्पिन पॉजिटिव पॉजिटिव कंबाइन हो रही है इसलिए यहाँ पे है बॉन्डिंग ओवरलैपिंग बोलेंगे इसको लेकिन अगर स्पिन अपोजिट है तो वहां पर हम उसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग ओवरलैपिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के लिए आ जाती है तो इनमें से जो इम्पॉर्टेंट है और जो बहुत पिछले एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं वो सब यहाँ पे दिए हुए हैं और आप इनको नोट कर सकते हो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है बॉन्ड ऑर्डर का वो क्वेश्चन भी यहीं से आता है उसके लिए आपको ये लर्न होनी चाहिए ये कैसे बनती है उसके लिए हमने लेक्चर वीडियो में आपको पूरा समझाया हुआ है डिटेल में बताया है वहाँ पे आप विजिट करेंगे वीडियो में तो आपको वो डिटेल में मिल जाएगी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉन्ड ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है एक्चुअली द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन टू जो भी आपको बॉन्ड ऑर्डर किसी भी मॉलिक्यूल का आपको पूछा जाएगा आपको उसका पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कम्बिने कन्फिग्रेशन लिखना होगा उसके बाद वहाँ पे जितने भी सिग्मा पाए विदाउट एनी स्टार के जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में काउंट करने हैं और जो स्टार वाले हो गए सिग्मा स्टार पायर स्टार वो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में काउंट करने हैं और दोनों का डिफरेंस लेने के बाद उनको टू से डिवाइड कर देना जो भी आंसर आएगा वो उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग बॉन्डिंग एज वेल एज बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स तो इसके साथ ही हमने कुछ क्वेश्चन जो है ब्लॉक है सॉरी ब्लॉक सेकंड भी कंप्लीट हो गया है पार्ट सिक्स में नेक्स्ट पार्ट सेवन में जल्दी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे जिसके में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तब तक आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स इफ़ यू नीड एनी अदर वीडियोज रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जून टू टू फोर एग्जामिनेशन यू कैन टेक्स्ट एन कमेंट बॉक्स सो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे थैंक यू